आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। मोदी ने की थॉमस कप विजेताओं से बातचीत, खिलाड़ियों से कहा देश को लगातार खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना, बोले अब उन्हें देश में कोई नहीं सुनता। पूजा पाठ के लिए खुलेंगे एसआई संरक्षित मंदिर, 1998 के कानून में किया जा सकता है संशोधन। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी के कंधों पर है जीत दिलाने का भार। कश्मीरी पंडित की हत्या पर बवाल के बीच कश्मीर दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे, तैयारियों का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यूएपीए पर जताई चिंता, बोले इसका एक प्रावधान राजद्रोह से भी ज्यादा खतरनाक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया दिल्ली के सरकारी स्कूल मोहल्ला क्लिनिक का दौरा, हुए बेहद प्रभावित। औरंगाबाद के बाद अब पुणे में मनसे के प्रमुख राज ठाकरे की बड़ी रैली, भारत पुलिस बल तैनात। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को मिली जमानत, ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अदालत में कानून पर भारी पड़ता है संवैधानिक अधिकार, 1991 के पूजा स्थल कानून पर छिड़ी है बहस। असम में वायुसेना ने बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित निकाला, राहत सामग्री भी पहुंचाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी के रेट घटाए, पीएम मोदी बोले हमारे लिए जनता सबसे पहले। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, शिवलिंग मिलने के दावे पर कहा ये लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, ये विवाद महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कोशिश। सेना के मुखपत्र सामना में साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने खोया युवाओं का भरोसा। लखनऊ समेत कई जिलों में बूंदाबांदी, सभी जिलों में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई, झमाझम बारिश की आशा। कानपुर में जरायम का दूसरा नाम पप्पू स्मार्ट, बेटे ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, मामा झज्जू कबूतरी से सीधा अपना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के खिलाफ याचिका खारिज, विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का किया है उल्लंघन। सोलह करोड़ से ज्यादा की एक्सपायर दवा के मामले में जांच शुरू, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मारा था छापा।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नसीहत, अधिकारी उलझाते हैं उन्हें, होशियारी से डील करें मंत्री। अयोध्या में और बढ़ेगा जलस्तर, 75 सरोवरों का निर्माण जल्द, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सरोवर का भूमि पूजन किया। बिजनौर में सहकारी समिति के चेयरमैन पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में 6 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, युवक की गोली मारकर दर्दनाक हत्या, नाले के पास मिला शव। पेट्रोल डीजल के दाम पर कम होगा से महंगाई के घटने के आसार, सुधरेगा रसोई का बजट, नौकरी पेश वालों का होगा फायदा। केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, पेट्रोल डीजल के रेट घटाए, गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी। औरैया में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, बलिदानियों को किया गया याद, सभी पुलिसकर्मियों ने शपथ ली। बदायूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, पटरी दुकानदारों को टीन शेड के नीचे से हटाया गया। बुलंदशहर में व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की वारदात, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, पुलिस की टीम ने बदमाशों के स्कॉर्पियो कार के सामने अपनी गाड़ी लड़ाई, बदमाशों ने पुलिस को दिया चप्पा। हरदोई में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, तालाब की भूमि पर किया था अवैध कब्जा, बुलडोजर से ढहाया गया मकान। डॉग पालने वाले हो जाए सावधान, योगी सरकार ने जारी किया आदेश, सीएम योगी ने कहा पालतू जानवर को बाहर ले जाते वक्त साफ सफाई का रखें ध्यान। कन्नौज में रेप के बाद हत्या का मामला, पीड़ित परिजनों से मंत्री असीम अरुण ने की मुलाकात, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। औरैया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। कन्नौज में खेत पर पानी लगाने गए किसान की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। मुरादाबाद में भीषण गर्मी में जाम से परेशान हुई जनता, अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग। कहर बनकर आई आंधी, सिद्धार्थ नगर में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत, ग्राम प्रधान पंकज चौबे मौके पर पहुंचे। अब अपनी जमीन पर बनवाए सरकारी अस्पताल, साथ ही दे पुरखों का नाम, अस्पताल बनाने का पूरा खर्चा स्वास्थ्य विभाग उठाएगी। नहीं संभले तो बूंद बूंद के लिए तरसना होगा, मेरठ में भी खिसक रहा भूगर्भ जल, जल संरक्षण को लेकर जागरूक होने की जरूरत। आजमगढ़ में गुडलक हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंकुल यादव मुठभेड़ में घायल, गोली लगने से के बाद सीएचसी में भर्ती।
सिद्धार्थनगर में बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक से टकराई, 8 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग हुए घायल। जेल से बाहर आकर छलका सपा नेता आजम खां का दर्द, बोले सोचूंगा कि मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी में कहां चूक गया। बजट सत्र से पहले टैबलेट पर सदन की कार्यवाही, सीखने में छूटे विधायकों के पसीने, कई ने की क्लास बंक। सीएम योगी आदित्यनाथ की विधायकों को सख्त हिदायत, ठेके पट्टे ट्रांसफर, पोस्टिंग और उदंडता से रहे दूर। जल्द काबू में आएंगे बालू, मोरंग और गिट्टी के दाम, सीएम योगी ने खनन विभाग को दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड में खोले गए हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर किया हमला, कहा उत्तराखंड में अब आपका कोई नाम लेवा नहीं। जैव विविधता दिवस 2022 में भारत के अंतिम गांव से लेकर मुनस्यारी तक जैव विविधता का अद्भुत संसार। उत्तराखंड में ओलावृष्टि और अंधड़ को लेकर अलर्ट जारी, पश्चिमी विक्षोभ में दस्तक देने से 3 दिन बदला रहा मौसम। देहरादून के सिमान ट्यूड़ी क्षेत्र में वन्य जीवन शिकार मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश। मंत्री रेखा आर्या के निर्देश के बाद भी खाद्य विभाग ने जारी नहीं किया शासनादेश, सीएस ने जताई नाराजगी। हरिद्वार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी चेतावनी, कहा गैर हाजिर अधिकारी कर्मचारी पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैर शरण में 7 जून से होगा विधानसभा का बजट सत्र, सरकार ने प्रस्तावित कार्यक्रम विधानसभा को भेजा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा गौरीकुंड केदारनाथ के बीच चलेंगे ऑल टेरेन व्हीकल, सुशांत राजपूत के नाम से बनेगी सेल्फी पॉइंट। जैव विविधता दिवस 2022 में स्वावलंबन में संरक्षित जीवन और प्रकृति, पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी का लेख। चारधाम यात्रा में नहीं थम रही यात्रियों की मौत, 18 दिन में 54 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम, इन 14 बिंदुओं का ध्यान रखने की सलाह। उत्तराखंड में विकास कार्यों की अड़चन दूर करेगी वन कानूनों की जानकारी। उत्तराखंड में छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा सहारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 2 लाख से ज्यादा इकाइयों को बटा 2328 करोड़ का ऋण। देहरादून में डीजीपी का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर सामग्री की पोस्ट, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देहरादून में हेली सेवा के नाम पर ठगी करने वाले 2 साइबर ठग बिहार से गिरफ्तार, दूसरे गिरोह को धरने टीम रवाना। चीन में फिर बढ़े कोरोना वायरस के मामले, बीजिंग के कई हिस्सों में लगाया गया लॉकडाउन।
मरियम आपके पति परेशान हो सकते हैं। मरियम नवाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर फंसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप वितरित की। आवश्यक दवाई भी भेजी गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नाटो की सदस्यता के लिए स्वीडन और फिनलैंड के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा की। अफगानिस्तान की महिला प्रेजेंटर्स बिना चेहरा ढके टीवी पर आई नजर। कहा नहीं मानेंगे तालिबान का फरमान। बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तान में चीनियों पर किए हमले तेज। रिपोर्ट ने बढ़ाई शहबाज सरकार की चिंता। प्रधानमंत्री इमरान खान ने की भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ। शहबाज शरीफ सरकार पर कसा तंज। कैलिफोर्निया में एक पार्टी में हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक की मौत, लोग हुए घायल। WHO ने कहा मंकी पॉक्स के बढ़ सकते हैं केस। अमेरिका और यूरोप के बाद अब इजराइल भी वायरस की चपेट। पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शिरीन मजारी की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। विदेशी निवेशकों ने मई में 35,000 करोड़ निकाले। 7 महीने से बिकवावल बने FPIA। क्रिप्टो विस्फोट में लुट गए निवेशकों होल्डिंग्स के आए। 99.98% की गिरावट। सभी को सीख लेने की जरूरत। मोदी सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को 200 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। पेटीएम ने 950 करोड़ के निवेश के लिए बनाई ये बीमा फर्म। विजय शेखर शर्मा फिर से नियुक्त हुए CEO। महीने में 13 बार बढ़ी कीमत। एक साल में 32 रुपए महंगी हुई CNG। CNG की कीमतें आसमान छू रही है। पेटीएम के रेवेन्यू में 77% का उछाल। पिछले 4 साल के मुकाबले 8% घटा हुआ। कंपनी ने चौथी तिमाही में 1,541 करोड़ रुपए की राजस्व हासिल किया। बगैर डेबिट कार्ड ATM से निकालेगा पैसा, मोबाइल से होगा सारा काम। कैश निकालने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं। RBI सरकार को देगा 30,307 करोड़ का डिविडेंड। बोर्ड से मिली मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दी जानकारी। अब जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में उतरेगा पेटीएम। कंपनी करेगी 950 करोड़ रुपए का निवेश। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। LPG सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। हार के बाद ऋषभ पंत का फूटा गुस्सा। हमने जीतने लायक खेल ही नहीं दिखाया। मुंबई ने पूरी की बैंगलोर के विश्व। दिल्ली को हराकर किया IPL से बाहर।
100% दर्शकों को आने की मिली अनुमति, नई सुविधाओं के साथ तैयार है बाराबत्ती स्टेडियम। भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर अपनी मंगेतर के साथ करेंगे शादी, कर दिया ऐलान। रियान पराग ने दो कैच लेकर तोड़ दिया रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड, तो कर ली किरण पोलार्ड की बराबरी। आईपीएल 2022 में सीएसके का प्रदर्शन निराश करने वाला रहा, कोच फ्लेमिंग ने किया खुलासा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उमरान मलिक, मोहसिन और दिनेश कार्तिक चयन के दावेदार। ईडन गार्डेंस में होने वाले आईपीएल के प्लेऑफ मैचों में खलल डाल सकती है कॉल बैसाखी। प्लेऑफ में पहुंचने वाली चारों टीमों के नाम तय, आखिर में बैंगलोर ने मारी बाजी। सीएसके कप्तानी ड्रामे पर अजय जडेजा ने कहा, रविंद्र जडेजा के साथ थोड़ा बुरा तो हुआ। कपल ने बताया अपना बायोलॉजिकल बेटा, एक्टर ने नोटिस भेजा 10 करोड़ रुपए के मानहानि की कही बात। दूसरे दिन भी एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म ने किया धमाका, करोड़ों रुपए कमाए। सुदीप ने शेयर किया विक्रांत रोड़ा से जैकलिन फर्नांडिस के विशेष सॉन्ग द गंद रकमा का टीजर, रिलीज होगा हिंदी वर्जन सॉन्ग। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पहना 4,48,00,000 रुपए का नेकलेस। मचाई धूम तो धाकड़ ने किया निराश, और कभी ईद कभी दिवाली से बाहर हुए आयुष शर्मा। कांस 2022 के रेड कारपेट पर सुनील ग्रोवर ने मारी ऐसी एंट्री, तस्वीरें देख तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे कपिल शर्मा। कांस फिल्म फेस्टिवल से पति और बेटी आराध्या बच्चन के साथ स्वदेश लौटी ऐश्वर्या राय बच्चन, देखे वीडियो। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में हिना खान ने गोल्डन ड्रेस में बिखेरा जादू, फैंस ने कहा गॉर्जियस। सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी गाना हुआ रिलीज, जीना जरूरी है में रह गई अधूरी कहानी। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली से बाहर हुए जीजा आयुष शर्मा, मतभेदों के चलते लिया फैसला। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।